मध्य प्रदेश में 17 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन, सख्ती से लागू होगा कोरोना कर्फ्यू। सीएम शिवराज बोले, गांवों में संक्रमण नहीं रोका तो हालात काबू से बाहर होंगे। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना पीड़ित गरीब परिवारों को प्राइवेट अस्पतालों में भी मिलेगा फ्री इलाज। सरकार आयुष्मान योजना का लेगी शुरू। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को पालेगी सरकार, ग्वालियर से होगी शुरुआत। महिला बाल विकास विभाग ने शुरू की स्पॉन्सरशिप योजना। प्राइवेट अस्पतालों की लूट पर कसेगी रखें सरकार ने बनाई आईएएस अफसरों की टीम, सीटी स्कैन से लेकर ब्लड जांच के रेट भी फिक्स। एमपी में दूर हो जाएगी ऑक्सीजन के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता, 94 प्लांट लगाए जाएंगे, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। एमपी सरकार के प्लेन की क्रैश लैंडिंग, गुजरात से रेमडेसिविर ला रहा था विमान, ग्वालियर में रनवे पर फिसला। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब बात करते हैं खबरों की। रतलाम जिले के पिपलौदा तहसील के रियावन में आए दिनों मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और गांव में लगभग 40 पॉजिटिव केस आने के कारण ग्रामीणों की तरफ से निजी स्कूल को कोरोना सेंटर बनाया गया है, जिसमें 50 बेड का इंतजाम किया गया है। साथ ही एक दिन में 17 कोरोना पेशेंट को भर्ती किया गया है। रियावन गांव में लगभग 25 लोगों की मौत हुई है, पर यह अभी तक साफ नहीं हुआ है कि ये मौतें किस कारण से हुई है। वहीं 35 लोग पॉजिटिव भी आए हैं, जिनको क्वारंटाइन किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार ने बताया है कि कोई भी बीमार हो उसका इलाज हॉस्पिटल में ही करवाएं। डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार से हमारे रिपोर्टर राहुल बैरागिनी की खास बातचीत आपको सुनाते हैं। सर, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है यहाँ पर। 50 बेड की व्यवस्था हम लोगों ने की है यहाँ पर, और अभी तक कुल 17 लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अभी और लोगों के आने की जानकारी देखा गया है। कई माहौल डर का भी दिख रहा है रियावन, रानीगांव, इन क्षेत्रों में क्या इनको कोई समझाइश दी गई है? बिल्कुल सर, पीएमओ सर के द्वारा टीम का दिया गया है और लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है कि वो लोग बाहर आए, सर्दी खांसी बुखार या कुछ भी उनको दिक्कत होती है तो वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच करवा सकते हैं। रतलाम जिले के पिछड़ा तहसील के गांव रियावन में देखा जाए यहां पर 15 दिनों में कई मौतें हुई हैं। ये भी आकलन हुआ है कि किस कारण से यहाँ मौत हुई है। हम यहाँ बता दें कि रियावन में कई ऐसे संगठन हैं जिनके माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। एक जो संगठन है सेवा भारती, जिनके द्वारा यहाँ पर रियावन फंटे पर कोविड सेंटर लगाया गया है। यहाँ पर हम बता दें कि 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया है। उसके बाद आज जो फर्स्ट दिन है, इस पर 17 मरीज यहाँ पर भर्ती हैं। आइए हम यहाँ के जो प्रभारी उनसे बात करना चाहेंगे, क्या यहाँ की व्यवस्था है। जी सर, नमस्कार। डॉक्टर जितेन पाटीदार, एसपीएससी मौता। यहाँ पे जो अभी हमारे पास 17 पेशेंट है जो कोविड के हैं, पॉजिटिव हैं वो, और उनमें से 3 या 4 बच्चे भी हैं और सभी अभी अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यह है कि अगर कोविड की जाँच समय पर हो जाए और समय से उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो उससे ऑक्सीजन सेचुरेशन की जो दिक्कत है, किल्लत समस्या बनी हुई है, वो नहीं बनी रहेगी और उससे जल्दी से जल्दी उस बीमारी के ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम गोली दवाई से ठीक कर पाएंगे वो चीज़ बाद में जाके ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप होने की वजह से आईवी एंड ऑक्सीजन लगाने की नौबत तक आती है। उस चीज़ से बचने के लिए लोगों को मेरी यही सलाह रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कोविड की जाँच करवाएं और इसका समय से पहले इलाज करवाएं। ऐसे लोग हैं जो कोरोना महामारी का नाम सुनते ही रिपोर्ट जो आती है पॉजिटिव नेगेटिव, वो मतलब उसके कारण क्यों भय है उनके मन में, क्या लगता है? भय का कारण यही है कि उनको जानकारी पूरी नहीं है कि ये चीज क्या है, क्यों है, ऐसा है, ऐसा उनके दिमाग में वही चीज है कि अगर अपन कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हमको वहां ले जाएंगे। कहीं नहीं ले जा रहे भाई, इलाज करवाओ, समय पे गोली दवाई खाओ, मस्त रहो, बिंदास रहो। ये थे हमारे साथ में प्रभारी जिनसे हमने बात करी है। इनका यही कहना है कि कोरोना से डरे नहीं, हर हालत में इलाज करवाए, जांच करवाए, हर कोरोना मरीज का यहाँ पे अच्छे से इलाज कराया जा रहा है। देखा जाए रियावन, रानीगांव, माउता, इन बड़े गांव के
बीचों बीच सेंटर यहाँ पर खोला गया है रानीगांव फंडे पर, जहाँ पर जो एक सेवा भारती रियावन की जो समिति है वो भी यहाँ पर 24 घंटे उनकी सेवा में लगी है। कैमरामैन राघवन सिंह डोडिया के साथ राहुल मेरा की रतलाम। शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के शासकीय जवाहरलाल महाविद्यालय के NSUI की कार्यकर्ता द्वारा कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में भी लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल में जाकर कोरोना मरीजों का को तमाम सामग्री दी जिसका उपयोग वो बीमारी के दौरान कर सके। नेटवर्क कौन करेगा तुम्हारा? नेटवर्क कौन करेगा तुम्हारा? नेटवर्क कौन करेगा तुम्हारा? कोरोना संकट के समय जहां सारे लोग भयभीत होकर घरों में कैद हैं, वहीं केवलारी की सड़कों पर किसान अपनी उपज को समर्थन मूल्य में बेचने के लिए भटकने को मजबूर हो रहे हैं। अधिकारियों की असंवेदनशीलता और तुगलकी फरमान के चलते तपती धूप में भूखे प्यासे किसान खरीदी केंद्रों में अपनी उपज को लेकर परेशानी में है। किसानों का जिन्हें SMS के माध्यम से अपनी उपज लेकर निर्धारित तारीख को स्थानीय वेयर हाउस में पहुंचने को निर्देशित किया गया, जहां सैकड़ों किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे। अब किसानों से कहा जा रहा है कि सभी किसान तुली हुई बोरियों से गेहूं खाली कर अपनी उपज को साइलो केंद्र पांजरा ले जाए, वहीं उनकी गेहूं तौली जाएगी। अफसरों के इस तुगलकी फरमान से किसान चिंतित नहीं बेहद परेशान भी है, क्योंकि पिछले 15 दिनों से किसान वेयर हाउस खरीदी केंद्र में अपनी उपज का विक्रय करने के लिए दिन रात मौजूद हुए। चौधरी वेयर हाउस में केंद्र था हम लोग का, तो शनिवार तक के चल रही थी बढ़िया सुचारू रूप से जैसी खरीदी चलना है। अचानक रविवार के दिन हमारा केंद्र को बिना किसी मतलब आगामी सूचना के केंद्र परिवर्तन कर दिया गया साइलो बैग पांजरा में, जिस कारण से यहाँ खरीदी स्टॉप कर दी गई है, क्योंकि ना हम इधर के बच्चे हैं ना उधर के बच्चे हैं। फिलहाल मेरे को गेहूँ बेचने के लिए 22 तारीख का SMS आया था, तो मैं इस केंद्र पर चौधरी वेयर हाउस पर अपनी गेहूं लेकर आया। यहां पर गेहूं गिराने के बाद हमें और गेहूं तुल भी गई और गेहूं तुलने को भी रह गई है, और तुलने के बाद अब हमारे यहां के क्या बोलते सर्वेयर लोग हमसे कह रहे हैं कि आप माल अब साइलो बैग लेके जाइए। कट्टियों में भरा माल को भी बोल रहे हैं कि साइलो बैग लेके जाइए। और यहाँ पर जिस वेयर हाउस पर हमारी खरीदी के हो रही है वहाँ पर वेयर हाउस खाली होने के बावजूद भी यहाँ अन्य दूसरी केंद्रों से माल आकर वेयर हाउस भरा जा रहा है। 15 तारीख को हमारा मैसेज आया था, हमने पूरा 3 में 4 मैसेज हैं हमारे, हमने चौधरी वेयर हाउस में माल गिरा दिए हैं, 15-20 दिन हो गए तुलाई नहीं हो रही है, और अब बड़े अधिकारियों का आदेश है कि इसको आप साइलो बैग ले जाइए, हम इसकी तुलाई नहीं करें। समस्या तो यह है, मैं पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मैं विजय बघेल सनाब जिले सिंह बघेल ग्राम बनेकी का किसान हूं। हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है कि हम तो अब ऐसा लगता है कि हम आत्महत्या कर ले कि मर जाएं। हमारी गेहूं 15 दिन से डली है, एक ट्राली गेहूं के लिए 500 रुपये भर के लाए हैं हमने, 1000 रुपये ढोने वाले को दिए हैं, और 4-4, 5-5 ट्राली हम लोगों का दाना आया है और 15-20 दिन से पड़ा हुआ है। खबर सीधी से है, जहां बीते दिन कोरोना पेशेंट फौजी रिटायर्ड हवलदार सच्चिदानंद पांडे ने अपनी दवा लेने घर से निकलकर शहर के जमोड़ी चौराहे पर पहुंच गए। वहां पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने रोका और कारण जानने की कोशिश की, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजूलता पटेल ने लापरवाह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई है, साथ ही ये भी कहा है कि पुलिस आपकी हर संभव मदद करेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही करने वाले कर्मचारी पर COVID-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज करने की बात की।
होशंगाबाद कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। अब संक्रमण का खतरा जंगली जानवरों पर भी मंडराने लगा है। जानवरों पर संक्रमण के खतरे को देखते हुए होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगलों में जानवरों पर अब नजर रखी जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जानवरों पर एसटीआर की विशेषज्ञ टीमों को नजर रखने के लिए कहा गया है, जिसके बाद एसटीआर में बाघ सहित अन्य जानवरों की मॉनिटरिंग भी तेज कर दी गई है। एसटीआर से मिली जानकारी के अनुसार पूरे एसटीआर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी आई है। अब संक्रमण का खतरा जंगली जानवरों पर भी मंडराने लगा है। जानवरों पर संक्रमण के खतरे को देखते हुए होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जंगलों में जानवरों पर रखी जा रही है नज़र। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जानवरों पर एसटीआर की विशेष टीमों को नज़र रखने के लिए कहा गया है, जिसके बाद एसटीआर में बाघ सहित अन्य जानवरों की मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है। एसटीआर से मिली जानकारी के अनुसार एसटीआर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अलर्ट किया जारी किया गया है। इसके साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित भी किया गया है कि किसी भी जानवर की मौत होने पर तुरंत उच्च अधिकारी को जानकारी दे सकें। साथ मृत जानवर की जांच कराकर वरिष्ठ अधिकारियों को मेडिकल की स्थिति में जानकारी देने को कहा गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा ने बताया कि एसटीआर के वह सभी कर्मचारियों को बताया गया है कि जानवरों के को सीधे संपर्क में ना आए। वह कर्मचारी जो जंगली जानवरों के वार्डों के आसपास जानवरों को संपर्क में रहते हैं, उन्हें विशेष निर्देश दिए गए हैं कि पहले स्वयं सैनिटाइज होकर जानवरों के वार्डों में जाएं, और यदि किसी भी प्रकार के कोई जानवर संदिग्ध दिखाई देता है तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जानवरों में किसी भी प्रकार के लक्षण या कमजोरी दिखाई देते ही तुरंत जानकारी देने को कहा गया है। भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद की एक जू में 8 शेर में कोरोना संक्रमण मिलने के बाद पूरे देश में नेशनल पार्कों को अलर्ट कर दिया गया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जारी होने के बाद लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है। पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर वन्य जीवों की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी, होशंगाबाद, भोपाल, पन्ना टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क में अलर्ट के साथ ही पार्कों में आवाजाही बंद कर दी गई है। टाइगर रिजर्व में कोरोना संक्रमण को लेकर पेश है खास रिपोर्ट। तब से ही पार्क प्रशासन की टीमें जंगली जानवरों के स्वास्थ्य पर निगरानी कर रही हैं। जो बाघ हो, तेंदुओं या अन्य किसी जानवर में जहां ये दिख रहा हो कि वो छींक रहा हो अथवा खांसी कर रहा हो, या अथवा उसके नाक से जो है कोई डिस्चार्ज निकल रहा हो, म्यूकस निकल रहा हो, या कहीं ज़मीन पर बैठा हो तो वहाँ जो है म्यूकस इकट्ठा हुआ हो, या कोई भी जानवर कमज़ोर दिख रहा हो अथवा मतलब आलस्य करता हुआ दिख रहा हो, स्लगिश दिख रहा हो, तो वैसी दशा में उसकी सूचना तत्काल उच्च स्तर को दिए जाने का निर्देश दिया गया है। और जहाँ जहाँ ज़रूरी स्पॉट्स हैं वहाँ वहाँ कैमरा ट्रैप्स भी लगा दिए गए हैं टाइगर रिजर्व के अंदर। देश के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के एक जू में 8 लायन को कोरोना संक्रमण मिलने के बाद पूरे देश के नेशनल पार्कों को अलर्ट कर दिया गया है। अगर हम बात लखीमपुर की करते हैं तो लखीमपुर में ये आदेश आने के बाद यहाँ के पार्क प्रशासन ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। दुधवा नेशनल पार्क के दरवाजे पर्यटकों के लिए बंद कर दिए हैं। अगर बाने यहाँ के डायरेक्टर फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक की, तो उन्होंने कहा कि इस दुधवा नेशनल पार्क में जितने भी वन्य जीव हों, चाहे वो लेफर्ड हों, चाहे टाइगर, यहाँ पर
बाघ हों उनकी सबकी निगरानी शुरू कर दी है, बाकायदा उनके कैमरे लगा दिए गए ताकि अगर इस तरीके के कहीं छींकते और खांसते हुए कोई लक्षण प्राप्त होते हैं तो उसकी तुरंत सूचना ऊपर दी जाए ताकि उनको रोकथाम किया जा सके। अगर बात करें लखीमपुर की तो हमने के न्यूज़ ने शुरुआत में ही कहा था कि लखीमपुर के दरवाजे चूँकि पर्यटकों के लिए खुले थे तो यहाँ पर संक्रमण था, इसी बात को लेकर के न्यूज़ ने पहले भी आगाह किया था क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क भारत नेपाल सीमा पर बसा हुआ है, यहाँ पर नेपाल के भी वन्य जीव यहाँ का आकर विचरण करते हैं, ऐसे में दुधवा नेशनल पार्क में खतरा और बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं पार्क प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत है ताकि यहाँ के जो वन्य जीव हैं दुर्लभ उनको इस कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके। होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगलों में जानवरों पर नजर रखी जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जानवरों पर एसटीआर की विशेषज्ञ टीमों को नजर रखने के लिए कहा गया है। एसटीआर से मिली जानकारी के अनुसार पूरे एसटीआर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल के वन विहार के असिस्टेंट डायरेक्टर अशोक जैन का कहना है कि हैदराबाद में शेरों में संक्रमण पाए जाने के बाद हम लोग अलर्ट मोड पर हैं। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू लगने के साथ ही 16 अप्रैल से पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के भ्रमण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। टाइगर रिजर्व के डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा ने बताया कि एसटीआर के वह सभी कर्मचारियों को बताया गया है कि जानवरों के को सीधे संपर्क में ना आए। वह कर्मचारी जो जंगली जानवरों के बार्डों के आसपास जानवरों को संपर्क में रहते हैं उन्हें विशेष निर्देश दिए गए हैं कि पहले स्वयं सैनिटाइज होकर जानवरों के बार्डों में जाएं और यदि किसी भी प्रकार के कोई जानवर संदिग्ध दिखाई देता है तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जानवरों में किसी भी प्रकार के लक्षण या कमजोरी दिखाई देते ही तुरंत जानकारी देने को कहा गया है। हमारे साथ हैं यहाँ पर मिस्टर अशोक जैन जी जो कि यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर है। इनसे जानते हैं हम लोग कि सर जैसे कि हैदराबाद में पिछले दिनों कुछ जो शेर थे वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, उसके बाद एक अलर्ट जारी हुआ, तो उसके चलते यहाँ भोपाल के वन विहार में किस तरीके से क्या केयर की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि जैसे कोरोना योद्धा क्षेत्र में उतर के काम कर रहे हैं, आप लोग भी कोरोना योद्धा हैं और पूरे रिस्क उठा के आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। जहाँ तक ये वन्य प्राणियों में संक्रमण का सवाल है, ये जानकारी हमको भी प्राप्त हुई थी कि हैदराबाद में इस तरह की कुछ घटना घटित हुई है। हम लोग विगत वर्ष से ही कोविड के संबंध में बहुत सजग हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो भी समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं हम उनका अक्षरश अनुपालन कर रहे हैं। जैसे ही वन विहार के गेट में कोई भी वाहन या व्यक्ति प्रवेश करता है तो सबसे पहले फुटपाथ और टायरपाथ से ही होकर उसे गुजरना पड़ता है। जहाँ तक वन्य प्राणियों के प्रबंधन का सवाल है, इसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो जो खाना है उसको सबसे पहले जो खाना जो भी आता है उसको हम गर्म पानी में रिंस करते हैं। रिंस करने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तभी वन्य प्राणियों को दिया जाता है। दूसरा बात जो हाउसिंग है जहाँ हमारे मांसाहारी वन्य प्राणी रखे हुए हैं उनके जो जू कीपर हैं केवल उनको ही अनुमति है उनके पास जाने के लिए। और जो हाउसिंग है दिन में दो बार उनकी धुलाई हो रही है। धुलाई के दौरान जो जू कीपर हैं वो उसमें हेड कवर रखते हैं, एप्रॉन पहनते हैं, इसके साथ साथ गमबूट और जो धुलाई की सामग्री है वो भी हम प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का संक्रमण की संभावना ना रहे। सर ने जो बताई बात की पूरी तरीके से जो केयर की जा रही है, आपको बता दें कि पिछले साल न्यूयॉर्क के जू में भी जो थे बहुत सारे जानवर जो है कोरोना संक्रमित पाए गए थे, साथ ही हांगकांग में भी कुत्ते बिल्लियों में संक्रमण पाया गया था। वही आज की अगर बात करें तो हैदराबाद में इस वक्त 8 शेर जो है वो संक्रमण में पाए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर एमपी में अलर्ट मोड पे है पूरी सरकार भी और साथ में हमारे डायरेक्टर भी। उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरे विश्व में मशहूर है, जहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। वहीं कोरोना का संक्रमण अब इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी फैलने का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते कॉर्बेट प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रखा जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल का कहना है कि जंगली जानवर वाइल्ड कंडीशन में रखे जा रहे हैं।
जंगली जानवर और वाइल्ड स्टाफ के बीच दूरी इतनी नहीं है जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण इन जानवर तक पहुंच सके। इसके अलावा जो हमारे हाथी और कुत्ते हैं उनकी सुरक्षा की कार्रवाई भी की जा रही है। एक और जहां इंसानों में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं वन्य जीव खासकर टाइगरों में कोरोना के लक्षण पाए जाने से हड़कंप मचा है। अब ऐसे में जानवरों के समुचित इलाज और उनकी गतिविधियों पर विशेष नजर रखना नेशनल पार्कों के अधिकारियों के लिए किसी चुनौतियों से कम नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद स्वागत है और अब रुख करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। शासकीय जवाहरलाल महाविद्यालय के एनएसबीआई कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना जैसी भयंकर बीमारी के चलते आज एनआईसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हॉस्पिटलों में जाकर चाय तथा बिस्कुट और वस्तु दान देकर मानवता को बताया कि आज भी मानवता जिंदा है। हम भारतीय राष्ट्र छात्र संगठन या छात्रों का संगठन है एनएसएल, उस संगठन की तरफ से चाय जो मरीजों के साथ परिजन है या जो मरीज हैं उनको चाय की सुविधा के लिए देने आए हैं, क्योंकि अभी क्या लॉकडाउन चल रहा है तो उसके कारण सारी दुकानें और होटलें बंद हैं जी। इसके कारण व्यक्तियों को चाय में बहुत परेशानी आ रही है, चाय नहीं मिल पा रही है, इसके लिए संगठन की तरफ से चाय की सुविधा। भिंड जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को तनाव मुक्त करने के लिए अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ द्वारा पीपीई किट पहनकर मरीजों का मनोरंजन करने के लिए डांस किया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बारे में भिंड सीएमएचओ अजीत मिश्रा का कहना है कि मरीजों को मानसिक तनाव होने पर उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए मरीजों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए और उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए स्टाफ द्वारा ऐसा किया गया और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाते रहेंगे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी द्वारा विदिशा में चल रहे कोविड 19 टीकाकरण अभियान एवं कोविड 19 से बचाव एवं उपचार के संबंध में की जा रही गतिविधियों की जानकारी ली। मंत्री के द्वारा कल से प्रारंभ हुए 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं का टीकाकरण एवं पूर्व से चल रहे 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के टीकाकरण केंद्र पर जाकर निरीक्षण किया एवं उपस्थित लाभार्थियों से टीकाकरण केंद्र की व्यवस्थाओं, टीकाकरण के बारे में उनकी भावनाओं को जाना। सभी ने केंद्र की व्यवस्थाओं के बारे में संतोष जताया एवं आभार जताया कि आज से हम युवाओं को भी टीकाकरण किया जा रहा है। हमारे होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए बातचीत करके दो बार डॉक्टर हमारे बातचीत करते हैं, उन्हें बड़ी सकता फिर कोरोना अभियान हम लोगों ने चला रखा है जिसमें घर 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 जाता है, डोर टू डोर लोगों का सर्वे करके जिसको अगर कोई फंड जैसा मांगते हैं तो वहीं उसको मेडिकल उपलब्ध करा रहे हैं। बीते दिनों कोरोना पेशेंट फौजी रिटायर्ड हवलदार सचिदानंद पांडे ने अपना दवा लेने के लिए घर से बाहर निकलकर शहर के जमोली चौराहे पर पहुंच गए। वहां पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने रोका और कारण जानने की कोशिश की, तब उन्होंने बताया कि 24 तारीख को हमारी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, 5 दिन की दवा मिली थी। दवा खत्म होने पर मैंने स्वास्थ्य विभाग से फोन के माध्यम से दवा की मांग की, परंतु स्वास्थ्य विभाग ने कई दिन बीत जाने के बावजूद भी दवा घर पर नहीं पहुँचाई और मुझसे बोला गया कि आप चौराहे पर आ जाए, वहीं से अपना दवा ले लें। तब मैं घर से निकलकर दवा लेने जमोड़ी तिराहे पर आया हूं, जो कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी द्वारा दवा तिराहे पर दी गई है। वहीं मौके पर उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। सर जो है हम क्या बताएं कि लापरवाही है, क्या हमको ड्यूटी हमारी यहाँ रहती तो हम क्या बताएं कि हम चार जगह कैसे पहुँच। 75 पे कॉल किया और बताया कि मैं पॉजिटिव, मेरा रिपोर्ट आया, मुझे क्या दवाई लेनी है, क्या करना है। उन्होंने कहा आप घर पे रहिए, आपके घर दवाई आएगी। 4 तारीख से 5 तारीख तक दवाई नहीं आई, उसके बाद 5 तारीख को मुझे 7 बजे कॉल आता है कि आप तिराहे पर आकर अपनी दवाई खुद कलेक्ट करिए, इसलिए मैं आया हूँ। कोरोना संकट के समय जहां सारे लोग भयभीत होकर घरों में कैद हैं, वहीं केवलारी के सैकड़ों किसान अपनी उपज को समर्थन मूल्य में बेचने के लिए यहां से वहां भटकते मजबूर हो रहे हैं। अधिकारियों की असंवेदनशीलता और तुगलकी फरमान के चलते तपती भूख में भूखे प्यासे किसान खरीदी केंद्रों में अपनी उपज को लेकर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। मामला है केवलारी के किसानों का, जिन्होंने SMS के माध्यम से अपनी उपज लेकर निर्धारित तारीख को स्थानीय वेयर हाउस में पहुँचने को निर्देशित किया गया। यहाँ सैकड़ों किसान अपनी उपज लेकर पहुंची और लगभग 80-90 किसानों की आज तारीख में लगभग 12,000 क्विंटल गेहूं तोलकर बोरियों में पैक रखी है, जिसे वेयर हाउस में न रखवा कर अब किसानों से कहा जा रहा है कि सभी किसान तुली हुई बोरियों से गेहूं खाली कर अपनी उपज को साइलो के अंदर पाजरा लेकर जाएं, वहीं उनकी गेहूं तोली जाएगी।
अचानक रविवार के दिन हमारा केंद्र को बिना किसी मतलब आगामी सूचना के केंद्र परिवर्तन कर दिया गया साइलो बेग पांजरा, जिस कारण से यहाँ खरीदी स्टॉप कर दी गई है, क्योंकि ना हम इधर के बच्चे हैं ना उधर के बच्चे हैं फिलहाल। अब किसानों का इतना सारा माल गिरा हुआ है, अब वो किसान लोग भी ले जाने में असमर्थ हैं उनको, क्योंकि यहाँ का भाड़ा लग चुका है एक बार। और चार चार पाँच पाँच ट्राली हम लोगों का दाना आया है और 15-20 दिन से पड़ा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। 1100 में प्रेस वार्ता के दौरान गंजवासा का 1100 कांग्रेस के पूर्व विधायक निशांत कुमार जैन ने कोविड-19 केयर सेंटर की व्यवस्थाओं पर एवं प्रदेश सरकार के द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाए। उनका कहना है कोरोना संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में रुकना होगा, इसलिए गांव में ही जांच के इंतजाम किए जाने चाहिए। 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को ग्राम पंचायत स्तर पर ही वैक्सीन कराया जाए। ग्राम पंचायत भवनों में जो आइसोलेशन केंद्र बनाए गए हैं वहां भी आपातकाल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जाना चाहिए। हैदरगढ़ में कोविड सेंटर बनाया जाए। कोविड-19 प्रत्येक पलंग पर ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर मशीन रखी जाए।